class 12 in our same digital classroom, and now very long time period we are here with the videos. So in the audio, I have already completed 3 topics of your book, and just hope ki aap hi saath saath mein complete karte ja rahe ho. So it is the 4th topic of your book from the 4th chapter, industrial strategies, and here is the principal elements of industrial policy resolution. Jab सेकेंड 5-year प्लान आया था तो उसमें इंडस्ट्रीज के लिए भी रिजोल्यूशंस लिए गए थे, उसके लिए भी पॉलिसीज फॉर्म हुई थी. इट वाज इन द ईयर 1956. सो इन ईयर 1956 प्रिंसिपल एलिमेंट्स वाज सेट फॉर द इंडस्ट्रीज. अब देखें क्या क्या प्रिंसिपल एलिमेंट्स थे जो कि इंडस्ट्रीज के लिए सेट किए गए थे. सबसे पहला एलिमेंट था 3-4 क्लासिफिकेशन के बारे में. जो इंडस्ट्रीज थी उसको 3 फोल्ड में क्लासिफाई कर दिया गया था. फर्स्ट फोल्ड थे कि एस्टैब्लिशमेंट और डेवलपमेंट प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज का सबसे ज्यादा होगा, मतलब क्योंकि जो सॉरी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो है बहुत लार्ज एरियाज में एक डायनेमिक सेक्टर एंटरप्राइज थी. और बेसिकली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज गवर्नमेंट अफिलिएटेड होती है और कंट्री की वेलफेयर की तरफ ज्यादा मोटिव रखती है, तो पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट और डेवलपमेंट होगा. दूसरा पॉइंट ये था कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो सेकेंडरी रोल प्ले करेगी और पब्लिक सेक्टर है जो फाउंडेशन और प्राइमरी रोल प्ले करेगी. एंड जो दूसरी इंडस्ट्रीज जितने बचते हैं पब्लिक और प्राइवेट से, सब जो बाकी अदर छोटे मोटे इंडस्ट्रीज होते हैं उनको प्राइवेट सेक्टर के अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा. ओके, सो इट वॉज द फर्स्ट प्रिंसिपल. सेकेंड प्रिंसिपल इज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. एवरीबडी नो द मीनिंग ऑफ लाइसेंस. लाइसेंस का मतलब होता है अ शॉर्ट ऑफ परमिट, नॉट अ शॉर्ट ऑफ परमिट, अ परमिट विच इज अप्रूव बाय गवर्नमेंट फॉर एनी एक्टिविटीज. किसी भी एक्टिविटी के लिए पब्लिक सेक्टर में या पब्लिकली आपके पास जो परमिट होता है जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव है, दैट इज कॉल्ड लाइसेंस. सो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग ये चीज थी कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो कहीं पे स्टैब्लिश होने के लिए उनको गवर्नमेंट से, प्राइवेट सेक्टर को कहीं पे भी स्टैब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट के अप्रूवल लेनी पड़ेगी. तो गवर्नमेंट ने अप्रूव करा प्राइवेट सेक्टर को कि सबसे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर जो है इंडिया के बैकवर्ड रीजन में स्टैब्लिश किया जाए. बैकवर्ड रीजन में इसलिए स्टैब्लिश किया जाए क्योंकि पब्लिक सेक्टर तो ऑलरेडी एडवांस प्लेस पे है ही, ऑलरेडी ऑर्गेनाइज सेक्टर पे बहुत बड़े डायनेमिक स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है. तो यहाँ पे बैकवर्ड रीजन इसलिए था कि वहाँ के जो लोग बैकवर्ड रीजन में रह रहे हैं उनको भी, उनकी भी डेवलपमेंट हो सके, और उधर पे रीजनल इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए ये स्टेप को लिया गया ताकि रीजनल इक्वालिटी हो सके, सोशल वेलफेयर हो सके, सिर्फ प्राइवेट प्रॉफिट मोटिव ना. थर्ड इज इंडस्ट्रियल कंसेशन. इंडस्ट्रियल कंसेशन एवरीबडी नो अबाउट द कंसेशन. कंसेशन का मतलब होता है किसी तरह की छूट. तो प्राइवेट सेक्टर का एक लीड रोल रहा है इंडस्ट्रियल कंसेशन की तरफ. प्राइवेट सेक्टर्स में कैसे कंसेशन प्रोवाइड किए गए हैं बाय द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट. एक था टैक्स हॉलीडे. टैक्स हॉलीडे था क्या है? टैक्स हॉलीडे इज बेसिकली अ टाइप ऑफ हॉलीडे विच इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय ऑफ द प्राइवेट सेक्टर दैट सम टाइम दे कैन एक्सक्लूड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्स. यानी कि कभी कभी एम्प्लॉयज को टैक्स पे करने से कंसेशन मिलेगा, उनको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, दैट इज द टैक्स हॉलीडे. दूसरा था सब्सिडाइज पावर सप्लाई. जो एम्प्लॉयज के पास में पावर्स थे वो गवर्नमेंट के थ्रू सब्सिडाइज थे, यानी कि कुछ पावर जो है गवर्नमेंट के थ्रू ही बढ़ा दिए गए. उसके बाद में ये भी जो कॉन्सेप्ट था इंडस्ट्रियल कंसेशन, ये कॉन्सेप्ट भी रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए था और सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए था. सो स्टूडेंट, इट इज द 3 मेन प्रिंसिपल ऑफ आईपीआर. आईपीआर मींस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन. रिजोल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज के बारे में डिटरमाइन हो जाना, एंड इट इज टेकन इन ईयर 1956. सो स्टूडेंट, इट इज द टॉपिक विच इज कंप्लीटेड इन दिस वीडियो, एंड फॉर द फर्दर टॉपिक यू हैव टू स्टे ट्यून्ड टू द वीडियोज एंड द ऑडियोज प्रोवाइडेड टू योर साइट्स. सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर स्टेइंग ट्यून्ड.